हेलो फ्रेंड्स, सुबह की बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही पल पल की जो अपडेट है प्राप्त होती रहे। आपको इस थंबनेल के माध्यम से शो हो रहा है, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% से बढ़कर 3.4% हो गया। जी हाँ साथियों, जो डाटा प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से पहले तो केवल 0.1% ही हमारे प्रदेश में अर्थात छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर थी, जो कल की स्थिति में बढ़कर के 3.4% हो गया। आखिर कुछ ही महीनों में बेरोजगारों की संख्या इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? सोचने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। इसी पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये पूछता है बेरोजगार किसको दिया रोजगार। सभी बेरोजगारों के मन में एक ही सवाल है। जब पहले कुछ माह पहले ये जो आंकड़ा है 0.1% था, वो आज बढ़ करके फिर से क्यों 3.4% हो गया है? भाई, कुछ ही माह में इतने जल्दी बेरोजगार कैसे बढ़ गए कि प्रदेश के जो बेरोजगारों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई है। सरकार का आंकड़ा समझ से परे रहता है। एक तरफ सरकार बोलती है कि प्रदेश में बेरोजगार ही नहीं है, दूसरे तरफ लोगों द्वारा, बेरोजगार साथियों द्वारा रोड पर चक्का जाम किया जाता है, भारी आंदोलन भी किया जाता है। इसके बाद भी जब सरकार के आंकड़े आने लगते हैं तो उसमें भी जो बेरोजगारी दर कमी से वृद्धि फिर दिखने को मिलती है। क्या देखो, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने का असर, दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.30%, यह 16 महीनों में सर्वाधिक। देखो, भारत के ये जो आंकड़ा है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो भारत में जो बेरोजगारी दर है साथियों 8.30% है। जी हाँ, हमारे देश में 8.30 बेरोजगारी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो पर, देश में बेरोजगारी की जो दर है दिसंबर 2022 में बढ़कर के 8.30 पहुंच गई है। 16 महीनों में ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है साथियों। इसके पहले अगस्त 2021 में बेरोजगारी जो दर है 8.32% थी, दिसंबर 21 में यह 7.91% थी और नवंबर 22 में 8% थी। बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने से हुई है। जी हां साथियों, बेरोजगारी दर में 10.09 पर पहुंच गई। तो शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, अर्थात 10% बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में पहुंच गई। नवंबर में 8.96 थी, अर्थात बहुत ही तीव्र गति से बेरोजगारी की जो दर है हमारे देश में बढ़ रही है साथियों। देखिए, यहाँ पर ज्यादा कहाँ कहाँ बेरोजगारी दर सर्वाधिक है आप देख पाएंगे। हरियाणा में 37% से भी ज्यादा है, राजस्थान में 28 से ज्यादा, दिल्ली में 20 से भी ज्यादा है, बिहार में 19 से भी ज्यादा है और झारखंड में 18% बेरोजगारी दर, उड़ीसा में 10.9। देखिए, उड़ीसा में भी बेरोजगारी दर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। गुजरात में 2.3, कर्नाटक में 2.5, मेघालय में 2.7, महाराष्ट्र में 3.1% बेरोजगारी दर आपको देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.4% दिसंबर में 7.44% रही, जो नवंबर में 7.55 थी। CMII के MD महेश व्यास ने कहा कि बेरोजगारी दर में वृद्धि उतनी बुरी नहीं जितनी आगे दिख सकती है। वित्त महीनों में श्रम भागीदारी की दर में बढ़ोतरी देखी गई है, दिसंबर में बढ़कर के 40.48 पर पहुंच गई, जो 12 या 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यही है साथियों कि कुछ ही माह पहले प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है 0.1 अर्थात 1% भी नहीं था, वो कुछ ही माह में बढ़ करके 3.4% हुआ। तो हुआ कैसे?
भाई एक तरफ सरकार बोलती है कि सबको रोजगार मिल रहा है, बड़े बड़े पढ़े लिखा युवा साथी गोबर बन रहे हैं, सबको नौकरी मिल गई है, तो ये आंकड़ा कैसे बढ़ गया? सोचने वाली बात होती है, सोचने वाले विषय होते हैं साथियों। जो भी विषय रहा है, कैसे आखिर बेरोजगारी दर बढ़ गई है, क्या सरकार वास्तव में सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करती, ये तमाम प्रकार के जो सवालात है बेरोजगार युवाओं के मन में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।